आज वरुथनी एकादशी का दिन बेहद ही खास है। कहते हैं कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उनकी हर इच्छा को श्री हरि पूर्ण कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी कारण व्रत नहीं कर पाते। ऐसे में वो लोग व्रत कथा या फिर इस दिन किए जाने वाले कुछ कामों को भी कर लें तो भी उन्हें भगवान की कृपा मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम। एकादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु का पूजन करें और उसके बाद रात्रि में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक और दीपक ऐसा ही प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें कि ये दीपक रात भर जलता रहना चाहिए। मान्यता है कि इसे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं और जातकों को धन प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। एकादशी तिथि के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन करें और उसके बाद तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम एक माला या इससे अधिक जाप करें। इसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ये उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं और प्रयास करने के बाद भी कर्ज बढ़ता जा रहा है तो एकादशी तिथि को एक लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिलाकर उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और संध्या के समय पीपल की जड़ में घी का दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। विष्णु जी की कृपा से आपके घर में धन संचय होने लगेगा, कर्ज मुक्ति के योग भी बनने लगेंगे, साथ ही आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी के पौधे में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता का पूजन करें। इसके बाद तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा करते समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपके परिवार में समृद्धि बनी रहेगी, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम की भावना बढ़ेगी, साथ ही घर का वातावरण शांत और सकारात्मक होगा। एकादशी की रात को दीपदान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी की रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। जब व्रत का समापन हो जाए तब श्री हरि विष्णु से व्रत में हुई गलती की क्षमा याचना करें। फिर अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि पर दोबारा श्री कृष्ण की पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके साथ ही एक बात का हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगा के सफाई कर लें, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गलती से हमसे चींटी और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इससे पाप लगता है, इसीलिए एकादशी के दिन झाड़ू न लगाएं। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।